स्लिप ये होता है जब आपकी मर्जी नहीं, आप किसी ऐसे हालात में अचानक फंस गए जहां टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा थी और किसी ने तरगीब दे के आपको नशा करा दिया, जहां आप खुद ही मोटिवेटेड हों कि आपने जाके गलत लोगों के अंदर बैठ नहीं बैठना है, गलत लोगों को मिल नहीं मिलना है, जहां आप खुद जाके ये सब कुछ करते हैं और इरादे से करते हैं, उसे रिलैप्स कहते हैं। रिलैप्स का मतलब होता है उर्दू में इर्तदाद। इर्तदाद का लफ्ज निकला है मुर्तद से। मुर्तद कौन होता है? जो ईमान ला के फिर जाए, यानी जो बंदा ईमान लाए कि मैं अब नशा नहीं करूंगा और उसके बाद वो फिर जाए। जब बंदा रिलैप्स होता है और स्ट्रक्चर में भी नहीं होता, तो उसको दावत दी जाती है कि आप आ जाइए, तशरीफ ले आइए। जब आप नशा करते हैं या नशे की राह को चुनते हैं या इस तरह के कामों को चुनते हैं, तो इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि आपको अपने आप से प्यार नहीं, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि आपके घर वालों को बहुत प्यार है, क्योंकि वो आपके पीछे भागते हैं कि इसको बचा लें, इसको बचा लें, किसी तरीके से बचा लें। लेकिन आपको अपने आप से शफकत नहीं है, आपको अपने आप से प्यार नहीं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने आप से प्यार करने लगे। इस बात का कभी इम्कान है कि आप अगर अपनी राहों पे नज़रसानी नहीं करेंगे, 6 महीने साल में कोई अच्छा अंजाम नहीं होने वाला। पता नहीं क्या क्या हो सकता है जो जुबान जेब नहीं देती कि मैं कह भी दूँ। लेकिन मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि माँ बाप के साथ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये आपके अमल से जाहिर होना चाहिए। घर में भी वालदैन के साथ उनके कहे के मुताबिक चले, उनकी बातों के जवाब में लूज टॉक ना करें। लूज टॉक समझते हैं? हाँ जी। मतलब क्या होती है, मिसाल दें लूज टॉक। लूज टॉक ये है कि उनकी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट करना सबसे पहले, और उनकी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट करके वो शुरू से ही ना मानना और उसके ऊपर बहस करना, उनको कन्फ्रंट करना। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और बेहतरी आना शुरू होती है, तो आगे बहुत सारी उम्मीदें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आपने कोशिश करनी है कि अपने लफ्ज़ों का पास रखना है, और अगर आपको लगे कि आपके लिए कोई मुश्किल है, तो आपने आके मदद हासिल करनी है। क्योंकि अगर आप नशा करेंगे तब आप स्ट्रक्चर में नहीं रहेंगे, और अगर आप स्ट्रक्चर में नहीं रहेंगे तब आप नशा करेंगे। ये दोनों बातों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर कोई समझता है कि एडिक्शन से रिकवरी से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। जो बंदा एक दफ़ा नशे की बीमारी में फंस जाता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ नशे की बीमारी से बाहर आना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, नशे से जान छुड़ाए रखना है। अगर उसके साथ कोई चीज़ वारा खाती है तो ठीक है, अगर उसके साथ कोई चीज़ वारा नहीं खाती तो उस चीज़ को छोड़ दें, चाहे वो सोने जैसी चीज़ हो।